भैया हमार हाँ राम जैसान, मान ले हमके परान जैसान। भैया हमार हवे राम जैसान, मान ले हमके परान जैसान। बड़ा गाना आज गावे थे। अरे भैया हो तो प्राण नियन माना हो तो बता दिली पब्लिक ना, मतलब बात तो है भाई के माना तो यही कुछ इस कदर है कि वो रितेश पांडे जी के बहुत ही बढ़िया गाना आयल है, समझ लो। अच्छा, मतलब ये गाना ना, अगर अगर 9 मिनट के तू फुल रिद्धि सिद्धि म्यूजिक करके कुछ उनके म्यूजिक है अपन, अगर तू 9 मिनट तक ही पूरा गाना सुन लेला और अगर तोर आंख से आंसू ना निकल लो तो कल से मगाइए जवान चैनल बंद। जरा दिखाओ तो थोड़ा सा देखा। सुची है का बाबू आका, सुची माजी होगा, सुची माई कैसे के जाई है आले गाड़ी, ये धोने के खोखिया के भाई। अरे बाप रे बाप, ये तो भालू ना, तो भाई भाई क्या स्टोरी कहल जाती हो एकरा में। हाँ। जैसे भाई के जो छोट भाई के जो मेहरारू है वो बतावित है कि आपका जो भाई है ना, भाई का जो मेहरारू है ना, हमारे बच्चवा के दूध दूध में पानी डाल दी था तू। अच्छा, तो हर घर, ये तो हर घर की कहानी है। हाँ। इसलिए भाई राम जैसा तो हो जाता है बाबू, हो जाता, लेकिन भौजाई आजकल सीता जैसा नहीं आ रही, नहीं है। आ रही है। और कारण वही है कि पूरे संसार में जो घर में प्रताड़ना होता है, सास ससुर में, ननद भौजाई में, गोतनी गोतनी में, घर वही घर में ही रहता है। हाँ। एगो 2 BHK के फ्लैट हो जाता है। हाँ। कोई इधर हो गया 2 रूम लेके, घर में ही गोतिया लोग हो जाता है। हाँ, गोतिया हो जाता है। और जीवन में एक बात याद रखना बाबू ना। हाँ। जीवन में ऐसा कोई भाई नहीं चाहता है ना कि अलग हो, बिल्कुल। लेकिन आजकल भौजाई ऐसा ना आती है, हालांकि गाथा एक गावल जाये थलो गनवा में, आगे सुन लीजिए। सोची है का बाबू तका, सोची माई है ना, अब भाई के कोखिया के भाई। हाँ, मतलब कहानी यही ना कि लोग माए बाप तो मजबूर हुए जाते सोचे में कि बताओ एक ही कोख से 2 गो पैदा ले, लेकिन माए बाप ई ना सोचा थी कि एक कोख से तो भाईवन है तू, जो 2 गो अलथी है वो तो ही अन्ना है, वो तो 2 कोख से अलथी है ना। हर पुतो के, हर लड़की के पुतो बने से पहले सोचे के, हालांकि बहुत बड़ा संदेश है, बिल्कुल है ना। और जिस प्रकार गाना रितेश पांडे जी ललती है, हालांकि व्यू बहुत कम गले है, बहुत कम है, और जमाना और दौर ही है ना बाबू। हाँ। कि आजकल बढ़िया चीज के पुछार कहाँ हो रहा है। लेकिन अगर मैं देखा तो नहीं भाई सब के बहुत बड़ा गलती है बा, अगर ऐसा ना कर बहू और वीडियो ना देख बहू ऐसा तो फिर तो अश्लील परोसते रहता तू ना। अब यही रितेश पांडे पिछला 4-5 महीना से एको अश्लील गाना ना ललती है, और हमने के फर्ज बना है। थोड़ा लेट हो ली, हमने कहा कि थोड़ा सा त्योहार में व्यस्त हली, कुछ पर्सनल काम भी हलई, तो कह भाई कि अगर जीजे गनवाई ना देख रहा है ना, फिर जाके जरूर देखिए, एकदम गनवा पर जाके हावी हो जा। दोनों भाई क्या बात, समझ ला, सुनू ताकि गनवा ट्रेंडिंग पर जाए, थोड़ा सा व्यू ऊपर एकदम। कारण कहीं ना कहीं अश्लील कलाकार भी मजबूर हो जा थी। लेकिन एक भी बात ये और कहल चाहे रितेश पांडे जी के, कि जरूरी ना कि 20 गो ऐसा गाय को बढ़िया उम्मीद कर लीजिएगा, बिल्कुल। हालांकि दौर जो है ना, परिवर्तन धीरे धीरे होता है, एक 2 गाना लॉस सहना पड़ेगा, इस पे रहना नहीं चाहिए आपको। अब ये भी नहीं सोचना चाहिए कि चला या ना चला, खराबे गाना चलता है। आप जैसे एग्जांपल में अगर लेते हैं, आप ही का तो गाना है, गाना आप ही का गाना जो सबसे बड़ा इस वर्ष का रहा, गाना सबसे बड़ा रहा इस वर्ष का, सबसे बड़ा चला, और कौन सा अश्लील था जी, और कोई अश्लील नहीं था तब, वो एकदम निरंतर। रितेश पांडे जी, हम दोनों भाई आज रिक्वेस्ट करेंगे, पूरा मगहिया परिवार आपसे विनती करेगा, गाना निरंतर इसी प्रकार का लाते रहिए। हम सबका फर्ज है जो निभाते रहेंगे, बिल्कुल हताश एकदम नहीं होना है, एकदम अच्छा अच्छा इसने इसने गाना देते रहिए। और फिर से कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुहिम के साथ और समर्थन के लिए रितेश पांडे जी, ऐसे ही साफ और सुथरा गाना लाते रहिए, और हम सब प्रेजेंट करते रहेंगे अच्छे लोगों के साथ। खड़ा रहा है मगहिया जवान, खड़ा रहेगा। बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार, प्रणाम, जय मगध, जय बिहार।